नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सुनील दत्त और नरगिस का है। भारतीय सिनेमा में जितने रंग इस रुपहले पर्दे पर नजर आते हैं, उतने ही रंग इस रुपहले पर्दे के पीछे भी होते हैं। पर्दे पर अपने कोई स्टार से मोहब्बत कई फिल्मी सितारों को हुई, लेकिन उसे निभाया कैसे जाता है ये सिखाया बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस ने। एक ऐसा दौर भी आया था जब ये कहा जा सकता है कि उस दौर की टॉप एक्ट्रेस ने राज कपूर की मदद के लिए अपने हाथों के कंगन भी निकाल कर बेच दिए थे। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको महान अदाकारा नरगिस के इस दिलदारी वाले किस्से को सुनाएंगे। इस सिनेमा को एक नए दौर तक लाने का श्रेय कलाकारों के साथ ही उन स्टूडियोज को भी जाता है जिनमें सदी की बेहतरीन फिल्में बनी। इन्हीं में से एक है हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर का नाम, जिन्होंने आरके स्टूडियो बनाया। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कई कालजयी फिल्में यहां पर बनी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी होने लगी। उस मुश्किल दौर में राज कपूर की गर्लफ्रेंड और हिंदी सिनेमा की महान एक्ट्रेस नरगिस ने उनका साथ दिया। मधु जैन अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखती हैं, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहां तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कंगन तक बेच डाले। उन्होंने आरके फिल्म्स के कम होते खजाने को भरने के लिए बाहरी प्रोड्यूसर्स की फिल्मों जैसे अदालत, घर संसार और लाजवंती में काम किया। इसी किताब में मधु जैन ने यह भी बताया है कि बाद में राज कपूर ने नरगिस के बारे में यहां तक कहा था, मेरी बीवी मेरे बच्चों की मां है, लेकिन मेरी फिल्मों की मां नरगिस हैं। राज कपूर और नरगिस पहली बार फिल्म आग में साथ आए थे, जो राज कपूर की बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इसी फिल्म के साथ आर के बैनर की बुनियाद भी रखी गई थी। हालांकि राज कपूर शादीशुदा थे, इसलिए नरगिस से उनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद नरगिस को सुनील दत्त से इश्क हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों के तीन बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। 3 मई साल 1981, कैंसर की वजह से नरगिस का निधन हो गया और उनके निधन से कुछ समय पहले संजय दत्त ने भारतीय सिनेमा में कदम रखा था और उनके निधन से ठीक 3 दिन बाद संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई। नरगिस और राज कपूर की मोहब्बत आज भी हिंदी सिनेमा में उस सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है जो कभी मिटाई नहीं मिटेगी। इन दोनों की मोहब्बत से जुड़े ढेरों किस्से हैं, हम आपको सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।